गोशा नूर चैनल पर खुश आमदीद मेरी तमाम सुनने वाली बहनों की खिदमत में वालेकुम हम सुन रहे हैं किताब ख़वातीन और सलूक एक ऐसी औरत की कहानी जो अपने रब को पाना चाहती है लेकिन ये दुनिया भी हाथों से निकल ना जाए वो इसी उलझन में मुबतला है माँ जी के पास अपने सवालात को लिए बैठी मुख्तलिफ अपने किस्से इस कहानी में वो बयान करती है पिछला आर्टिकल हमने सुना था ख़्याल की तन्हाई और आज चौथा आर्टिकल है चाहत का सिला तो आइए देखते हैं कि चाहत का सिला उनवान के तहत लिखे गए इस आर्टिकल में वो क्या कह रही है वो माँ जी के पास बैठी है और उसकी बातें जो हैं चाहत का सिला में किस तरह से कलम बंद की गई शोहर से मोहब्बत भी तो एन इबादत है माँ जी फिर इस मोहब्बत का सिला गद्दारी क्यों कर हो सकता है क्या औरत का अपने शोहर पर कोई हक़ नहीं वो इससे अपनी चाहतों का सिला नहीं मांग सकती मैंने दबे दबे लहजे में की नखियों से माँ जी के चेहरे की शफकत को देखते हुए सवाल किया मियाँ बीवी की मोहब्बत एक फितरी जज्बा है बेटी बेशक अल्लाह करीम निकाह की सुनत रसूल सल्ला वसम की अदायगी के बाद यह ख़ूबसूरत जज्बा इनाम के तौर पर जोजैन के दिलों में वदियत कर देता है इस मोहब्बत की खुशबू में एक नसल ने परवान चढ़ना होता है ज़िंदगी के आयद करदा फ़रज़ों ज़िम्मेदारियों की तलखियों से छलनी होते वजूद इस मोहब्बत की आगोश में आकर थोड़ा सस्ता लें ताज़ा दम हो जाए और फिर अगले महाज़ों पर नबर्द आज़मा होने के लिए निकल खड़े हों मान मर्द और औरत दोनों के ज़िम्मे रब कायन ने इस दुनिया के निजाम को चलाने के लिए मुख्तलफ़िमदारियाँ आयद की हैं माजी किसी माहर उस्तानी की तरह रुके बगैर बोले जा रही थी अपने अपने हिस्से की वो जिम्मेदारियां दोनों ने अदा करनी है उन्होंने समझाने वाले अंदाज में कहा जोजैन के लिए इनकी जगह इनका मकाम दीन इस्लाम में मुक्र कर दिया गया है दोनों ने अपनी अपनी हदूद में रहते हुए दयानतदारी के साथ अपना अपना काम सर अंजाम देना है इसमें गद्दारी और बददयानती का मुर्तकिब होने पर दोनों अपनी अपनी जगह अपने रब के हजूर जवाब दे हैं आमतौर तो पर यह पाया जाता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने जवाब दे हैं सो वो दोनों एक दूसरे को मुतमिन करने में लग जाते हैं ये बात करते हुए उन्होंने हमारी आँखों में झांका और मुस्कुराई उनकी इस बात पर हम शायद उनसे नज़रें चुरा रहे थे और इसी तगोद में दरमियान से खुदा निकल जाता है वो रब्बुल इज़्ज़त जिसके नाम पर दोनों ने एक दूसरे को हासिल किया जब वही दरमियान में नहीं है तो जोजैन के बहन से रहमत और बरकत उठ जाती है बेटा इसकी जगह गिले शिकवे तानो तशनी इस हसीन रिश्ते को छलनी करने लगते हैं याद रखो मोहब्बत भी इसी मोहब्बत के ताबे होगी तो इस रिश्ते में बरकत रहेंगी लेकिन माँ जी हमें कैसे मालूम हो कि हमारी मोहब्बत से खुदा निकल गया मेरे मेरा सवाल सुनकर उन्होंने मेरी तरफ़ गहरी निगाह डाली मुस्कुराई और फिर बोली अल्लाह के प्यार का दावा हम करते हैं और इसकी मखलूक में ऐब चुनते हैं अल्लाह की मखलूक ऐबदार नज़र आने लग जाए तो समझ लो तुम अपने रब से इस प्यार के दावे में सच्चे नहीं हो अल्लाह की मखलूक तो अल्लाह का कुंदा है अल्लाह का प्यार दरअसल अल्लाह की मखलूक से प्यार है इस वक्त तक रब का कुर्ब नहीं पाया जा सकता जब तक उस रब की मखलूक को बेैब ना देखो इन्होंने अपनी बात को संजीदगी से मुकम्मल किया हम बिल्कुल ख़ामोश माँ जी का ये अजीब व गरीब फ़लसफ़ा सुन रहे थे हर शख़्स को बेैब देखना चाहे इसमें ऐब हो, ये कैसे मुमकिन है माँ जी ऐब के होते हुए भी हमें दूसरों के ऐब नज़र ही ना आए मैं अपने लहजे की जनजुनाहट पर काबू पाते हुए बोली बेटा मुझे बताओ मखलूक को तख्लीक करने वाला कौन है ये कायनात का निज़ाम इसकी मंशा के मुताबिक चल रहा है इम दीन हासिल करने के बाद आप अपना चेहरा देखने के काबिल हो जाते हो अपने अंदर की कमियाँ कोताहियाँ जिन पर अब तक हिजाब था रफ्ता रफ्ता नज़र आने लग जाती हैं और जो खुद ऐबदार हो इसे दूसरों के ऐब चुनने का क्या हक ऐब तो वो चुने जो खुद भी ऐब है बेऐब तो मेरे रब की है बेटा सारी मखलूक को तो वो कहता है ये मेरा कुनबा है और फिर उसी के कुनबे में ऐब चुनना रब की तख्लीक में ऐब तलाश करना मेरी जान ये तो रब के भेद हैं किस को कहाँ और कैसे आज़माना है जिस में हमें बहुत से ऐब दिखाई दे रहे हैं खुदा जाने वो खुद किस इम्तिहान में मुबतला है किस इंसान को कौन सा सवालनामा हल करना है ज़िंदगी में यह फैसला इसका रब करता है ये इंसान के अपने करने का काम नहीं है जब आपको ये आगही हासिल हो जाती है फिर अपनी इस लाह की फ़िक्र लाक होती है बजाय इसके कि दूसरों में हम ऐब ढूंढने लगें ख़ास तौर पर इन रिश्तों में ऐब ढूंढें, जिनकी तकरीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है जिनको आपने अल्लाह के नाम पर हासिल किया है मुझसे माँ जी की ये बातें हज़म नहीं हो रही थी मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया अंदाज फिक्र था अजीब स्कूल ऑफ थाट था ये माँ जी का मुझे नहीं समझ आ रही थी कि वो मुझे क्या समझाना चाह रही हैं मैं ही क्या मेरे साथ बैठी दूसरी ख़वातीन के चेहरों की उलझने भी वाजे कर रही थी कि वो भी माजे की माँ जी के इस स्कूल ऑफ थॉट्स से मुतमिन नहीं हो पा रही लेकिन हम सब चुप थे और माँ जी की जानब सवालिया निगाहें जमाए बैठे थे शौहर की तरफ़ से सुख ना मिले मोहब्बतों का वो मकाम ना मिले जो औरत चाहती है बल्कि यकीनन एक औरत का हक है तो ऐसे में औरत क्या करे माशरे की तलख हकीक़त को अपने सवाल की शक्ल देकर मैंने अदब से माजी को कहा मेरा सवाल सुनकर वह चुप हो गई फिर इन्होंने अपने बूढ़े हाथों से अपनी एनक उतारी टिश्यू पेपर से इसके शीशे पर नज़र ना आने वाली गर्द को साफ़ करते हुए बोली बेटा जब बीवी को ये महसूस हो कि इसके हकूक पामाल किए जा रहे हैं इसे मिलने वाली मोहब्बत मकाम और दर्जा जिसकी वो हकदार है नहीं मिल रहा दूसरी खुवात इससे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं दूसरों की ज़िंदगी से तकाबुल आपके जहन को इस तराब में मुबतला कर दे अपनी कम मायगी का जिम्मेदार अपनी अपने शोहर को ठहराने की बजाए आप सोचो गौर करो आपके नसीब में जो लिखा था आपको वही मिलना था मेरी जान नेमत अल्लाह का फजल होती है ये कोशिश और ख़्वाहिश से थोड़ा ही हासिल होती है सूरह जुम्मा में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं ना नाका फ़जल अल्लाम फजल अज़ीम ये अल्लाह का फ़जल है जिसे चाहे दे अल्लाह बड़े फजल वाला है गोया ये अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसिर है वो जिसको चाहे नवाज़ दे अपनी नमतें बेहिसाब दे दूसरे लोगों के साथ अपना तकाबुल करना अल्लाह की तकसीम के साथ इख्तलाफ करना है जब ये बातें समझ में आ जाएं, तो फिर ज़िंदगी से शिकवे और गिले शिकायत सब रुखसत हो जाती हैं इन्होंने संजीदा लहजे में अपनी बात को मुकम्मल किया माँ जी ने ज़िंदगी के एक बहुत बड़े मसले को चंद फिक्रों में बयान करके हमें लाजवाब सा कर दिया था मैं उलझ गई बीवी को अपने शोहर से रूठने और शिकवा करने का भी कोई हक नहीं है मैंने कहा वो मुंह खोले बगैर हल्का सा मुस्कुराए अपनी छोटी छोटी चमकदार आँखों में प्यार समेटे हुए हमारी तरफ देखा और बोली हमारी माँ हज़रत आयशा रजी अल्लाह तन हो नबी करीम आलिहि वसल्लम की सबसे कमसिन और लाडली जोज़ा थी बहसीत बीवी वो कभी कभार अकाल ही सलाम से रूठ जाया करती थी और मालूम है मेरे आका ने इस बात को कैसे बयान फरमाया आप सल्ह वसल्लम फ़रमाते हैं जब आयशा मुझ से रूठती तो मेरे साथ इसका रवैया मामूल के मुताबिक होता लेकिन वो बात करते हुए जब अल्लाह का जिक्र करती तो कहती इब्राहिम के रब जबकि आम हालात में वो कहा करती थी मोहम्मद के रब अलैहि वसल्लम इनके इस अंदाज से मैं समझ जाता कि आयशा मुझसे खफा है अरे बेटी औरत तो नाज की मट्टी से गूँध ही गई है नाज उठवाना खफगी का इजहार करना तो इसकी सरिश्त में है रूठना मनाना नाजो अदा दिखाना तो औरत की फ़ितरत है मेरे आका करीम सलाम के घराने ने बीवी को नाराज़गी का हक भी दिया है और तरीका भी समझा दिया है औरत अगर मर्द की तरफ से आजमाई जाए तो ये अलग बात है अब उनके लहजे में दुख की आमेजश नज़र आ रही थी जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि बस बेटियाँ बस ख़वा जो हैं वो कुछ इस तरह के हालात में इस तरह के हालात का सामना करती हैं कि उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है हर आजमाश रबालमीन की तरफ़ से है मोमिन के लिए इसमें अजर अजीम है जुल्म ज़्यादती करने वाला शौहर अगर बादशाह भी हो तो रब की गिरफ़्त से नहीं बच सकता और जुल्म सहने वाली बीबी आसिया के साथ खड़ी होगी क़ुरान में देखा है ना उस जालिम शोहर की बीवी का नाम आज तक जिंदा है औरत जब मर्द की की गई ज़्यादतियाँ सब्र के साथ सहती है तो उसका रब उसकी बड़ी क़दर करता है अल्लाह क़ुरान में कहता है ना अला यामूमन खलक क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया दुख और तकलीफ़ के इन लम्हों में औरत को कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका खालिक, उसका रब सब जानता है वावेला करने की बजाय ढंडोरा पीटने की बजाय अगर औरत उस लम्हे अपने रब से रजू कर ले उस रब से जो दिलों के भेद तक जानता है जब एक औरत इस रब के नाम पर हासिल किए गए रिश्ते में सताई जाती है आजमाई जाती है तो वो रब इससे बाबर होता है फिर अगर वो औरत इस दुख के लम्हे बेबसी के वक्त में एक निगाह उठाकर अपने रब की तरफ देखती है इसकी निगाह की बेबसी इसका सब्र क्या सत्तर माँ से बढ़कर प्यार करने वाला रब उस लम्हे उससे बेन्याज हो सकता है एक माँ हो आप लोग भी एक माँ हो बताओ क्या तकलीफ़ में मुबतला बच्चा जो शिकवा करता है चीखता है माँ उसके लिए ज़्यादा तड़प रखती है या वो बच्चा जो तकलीफ़ के वक्त सब्र करके आँखों में आंसू लिए खामोशी से अपनी माँ की जानवी की निगाह उठा के देखता है तो उस बच्चे के लिए माँ का दिल किस हाल में पहुंच जाता है माँ की तड़प कहाँ चली जाती है अरे पगली औरत की तड़प पे तो अल्लाह ने वही उतारी सुरह मुजादला कहाँ से शुरू होती है वो औरत की तड़प ही थी ना जो आसमानों पे पहुँची तो जवाब में कुरान की आयात उतरी वो अम्मा आयशा थी ना जब वो आजमाई गई तो उन्होंने कोई शिकवा थोड़ा ही किया वो तो हर वक्त कहा करती थी इन्नम अश्कू व बस्फ़ी व हुज़नी याकूब की दुआ है ना क़ुरान में कि अल्लाह मेरे मेरे गम मेरा आंसू मैं इस सब की फरियाद तेरे से तेरे आगे ही करता हूँ तो अल्लाह जो है वो सब की फ़र्यादें सुनता है और सबर के साथ जो औरत अपने गम की फरियाद सिर्फ़ अपने रब के पास करती है उसके शोर मचाते आंसू इर्द गिर्द के माहौल को बेकरार और बेचैन नहीं करते उसकी खामोश सिसकियां, रात के पिछले पहर सिर्फ उसके रब के लिए होती हैं तो फिर फैसले आसमानों पर बदल दिए जाते हैं उस औरत का नाम मुकर्रबीन में लिख दिया जाता है बेटी और जो रब का कुर्ब पाले उस औरत के लिए और क्या मकाम होगा अरे औरत का बड़ा मकाम है मेरी बेटियों औरत जब रब का कुर्ब पा लेती है रब क... उसकी आवाज़ उसकी तड़ब को सुन लेता है तो फिर वह रब के मुकर्रबीन में चली जाती है औरत को राज़ी किए बिना तो अल्लाह किसी सूफ़ी किसी बुज़ुर्ग को भी वो मकाम नहीं देता औरत जब माँ होती है तो उसका मर्तबा इतना बुलंद हो जाता है इतना बुलंद हो जाता है फिर क्या बादशाह क्या फा... फ़कीर क्या सूफी हर किसी को अपनी माँ को राजी करना लाजिम हो जाता है वरना वो रब के यहाँ मकबूलियत हासिल नहीं कर सकता माँ का इतना बुलंद और मर्तबा कभी सोचा है तुमने तुम्हारे तो कदमों तले जन्नत है पगली और तुम लोग इन छोटी छोटी बातों पर परेशान हो रही हो वो माँ ही थी ना जिसकी तड़प को अल्लाह ने हज का रुकन बना दिया आज भी जब सफ़ा मर मरवा की सही करो तो जहाँ अम्मा हाजरा रजी अल्लाह ताल उन्हों तेज़ भागी थी अल्लाह ने रहती दुनिया तक के मुसलमानों को कह दिया ना कि तुम भी वहाँ तेज़ तेज़ भाग के उस को पूरा करो औरत के ऊपर अगर अल्लाह ने मर्द को फजीलत दी है लेकिन ये जान रखो उस मर्द के लिए अल्लाह ने औरत का मकाम जो है वो भी लिख दिया है और उस मर्द को औरत के उस मकाम की पासदारी करनी लाज़म होती है और अल्लाह क़ुरान में कहता है ना इन मा साबरीन मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ और जिसके साथ इसका रब हो पूरी दुनिया भी मिलकर इसको तोड़ना चाहे इसको बर्बाद करना चाहे तो कोई भी उसका कुछ नहीं बगाड़ सकता वो कहता है मुझ पर भरोसा करो मेरी बेटियों कभी अपने रब पे भरोसा करके तो देखो इसके साथ भरोसे का रिश्ता उस तवार करके तो देखो रब के साथ उसके बंदे का जब कलबी ताल्लुक़ कायम हो जाता है तो उस रिश्ते की लज्ज़त ही और है उस लज्ज़त को कभी चख के तो देखो ये लेकिन माँ जी औरत की तो कुल कायनात इसका शौहर और इसके बच्चे होते हैं इसका भी तो जी चाहता है ना इन रिश्तों से सुकून पाकर तसल्ली से अपने रब की इबादत करे मैं शायद इनकी बात समझना नहीं जा रही थी इसके साथ ही हमारा आज का आर्टिकल ख़त्म होता है अगले आर्टिकल के साथ इन जल्द ही आपकी ख़िदमत में हाजिर होंगे मेरी गोशे नूर की प्यारी प्यारी बहनें जो इस वक्त सुन रही हैं हमें उन सब से दरखास्त है अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें आपको ये किताब कैसी लग रही है आपको ये आर्टिकल्स कैसे लग रहे हैं आपने हमें ज़रूर बताना है और आपकी राय हमारे लिए बेहद अहमियत की हामिल है हम आपकी राय की रोशनी में इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम्स को मज़दीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे चैनल को छोड़ने से पहले इसको सब्सक्राइब करें और अपने हल्का अहबाब की ख़वातीन में ज़रूर शेयर करें हो सकता है किसी गुम गश्ता बहाती रोती बिलकती औरत के जख्मों पर मरहम रखने में आप वसीला बन जाएं बहुत शुक्रिया अपना बहुत ख्याल रखिए ढेरों दुआएं गोशैनूर की ख़ातिन के लिए बहुत सारी दुआएं बहुत सारा प्यार अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह